जमशेदपुर की सिद्धगुड़ा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सिद्धगुड़ा छठ पूजा के दौरान पुलिसकर्मी उपेंद्र सिंह के रोड नंबर 1 स्थित क्वार्टर नंबर 412 स्थित आवास में चोरों का खुलासा किया है। इस संबंध में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सिद्धगुड़ा तारा अपार्टमेंट निवासी गुरदीप सिंह, क्यालको निवासी सूरज सिंह, गोलमुरी निवासी राहुल उर्फ करिया पुष्टि और बागबेड़ा निवासी धर्मेंद्र शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया हुआ सामान बरामद किया है। हालांकि आरोपियों ने चोरी किए हुए गहनों को गला दिया था। मिली जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने में गुरदीप सिंह और सूरज शामिल थे, जबकि राहुल और धर्मेंद्र ने मिलकर गहनों को साक्षी स्थित बिहार ज्वेलर्स में गलाया था। इसकी भनक दुकान के मालिक को नहीं थी। वहीं आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें घर से मात्र 16,000 नकद और गहने मिले थे। रुपयों को उन्होंने आपस में बांट लिया था, जबकि गहनों को गला दिया था। चोरी का अन्य सामान सोनू के पास है। फिलहाल पुलिस सोनू की तलाश कर रही है। एक उपेंद्र कुमार सिंह आरक्षी हैं, जो 100 डायल जमशेदपुर में पोस्टिंग है उनकी। वो छठ के दिन सुबह में अपने परिवार के साथ अपना क्वार्टर बंद करके छठ घाट पर गए हुए थे। सिद्धगुड़ा में उनका क्वार्टर था और उस दिन उनके घर में जब छठ घाट से लौट कर क्या है तो देखे कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर से उनका जेवर और पैसा का चोरी गया था। इस संबंध में उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया था, जिसका सिद्धगुड़ा थाना प्रांत संख्या 175/22 है। क्योंकि इस घटना को SSP सर के द्वारा गंभीरता से लिया गया और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत कुमार को उद्भेदन के लिए निर्देश दिया गया था। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने अपने साथी रवि रंजन कुमार, ललित खलको, वीरेंद्र कुमार के साथ एक टीम बना करके इसको उद्भेदन किया गया। उद्भेदन के दौरान पाया गया कि जिस समय वो क्वार्टर बंद करके जा रहे थे, उस समय कुछ लड़कों को वहाँ पर देखा गया था। तो जब पहचान किया गया तो वहाँ पर जो वहाँ पर प्रजेंट थे, गुरदीप सिंह करके थे, सूरज सिंह करके थे और सोनू सिंह करके थे। ये तीनों को जब खोज किया गया तो सोनू सिंह को फरार मिला, लेकिन गुरदीप सिंह और सूरज सिंह पाए गए। जब इन लोग से पूछताछ किया गया तो इन लोग ने अपना अपराध स्वीकार किया और कंगन चोरी, जेवर चोरी और पैसे का चोरी करने की बात को स्वीकार किया। इन्होंने बताया कि 16,000 रुपया नकद मिला था, सोने का कंगन मिला था। कंगन को ये एक केरिया पुष्टि करके हैं, उनको ये ऐसे बेच दिए थे। वो जो साक्षी में ये स्वर्ण दुकान में काम करते हैं और केरिया पुष्टि ने अपने एक धर्मेंद्र कुमार उर्फ रोशन को बेच दिए थे। रोशन कुमार ने क्या किया था, गला करके उसको गला दिया था। गलाया हुआ सोना बरामद किया गया है और ये जो है केरिया पुष्टि ने धर्मेंद्र कुमार से 47,000 रुपया लिए थे। बाकी पैसा का तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन जो सोना गलाया हुआ था उसकी बरामदगी हो गई। ऐसे एक चंदन कुमार है, सोनू सिंह है, वो जो फरार है उसके पकड़ने से कुछ और मिल सकता है, बरामद हो सकता है। सर ये पूर्व में भी अलग जेल जा चुके हैं? हाँ, एक है जो जेल जा चुका है अपराधिक प्रवृत्ति है, और सूरज सिंह है वो जो नशेले टाइप का आदमी है, जुआरी टाइप का आदमी है। कुल कितने अभियुक्त थे? कुल इसमें 5 अभियुक्त थे।